शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो आ रही है, वो कालांवाली से आ रही है। कालांवाली में आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कालांवाली की अगर बात करें तो कालांवाली में एक ऐसा मामला आया है जिससे ई मित्र चलाने वाले युवक से 7.25 लाख रुपए की ठगी करने का या 7.25 लाख रुपए की लूट का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल अगर आपको बताना चाहें तो ये कालांवाली निवासी विपिन कालांवाली में पुरानी मंडल रेलवे स्टेशन के सामने ई मित्र बैंक चलाता है। सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे उसका पिता हरबंस लाल अपनी स्कूटी लेकर बैंक में कैश जमा करवाने जा रहा था। उसके पास स्कूटी की डिग्गी में करीब 6,40,000 रुपए की नकदी थी। वह पुराना पंचरत्न सिनेमा रोड पर ब्रेकर के निकट पहुंचा तो 2 बाइक सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने तेज धार हथियार दिखाते हुए उसे रोक लिया। बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी स्कूटी छीन ली और इसके बाद पंजाब बस स्टैंड की ओर भाग गए। हरबंस ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। इसके बाद SHO विक्रम भी टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार कालांवाली निवासी विपिन कालांवाली से पुराने मंडल रेलवे स्टेशन से के सामने ई मित्र बैंक चलाता है और उसकी स्कूटी से जो 6,40,000 रुपए के लूट करने की मामला जो है वो सामने आया। तो इस बारे में अभी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो युवा जो है वो कौन थे, कहां से आए थे और क्या वो उनको कैसे पता चला कि इसकी स्कूटी के अंदर जो है वो इतना कैश जो है वो रखा हुआ है। क्या वो युवक जो है वो पहले से उसके फिराक में थे, रैकी कर रहे थे या कुछ और मामला है, ये तो पुलिस जाँच पड़ताल के बाद या युवकों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी घटना जो है कालांवाली क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिली है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सिरसा शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी कड़ी में कालांवाली में ये घटना ने न केवल जिसके साथ लूट हुई है उसको सदमे में डाला है बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतना सारा कैश एक साथ लेकर के जाना जो है वो आज के समय में, दिन के समय में भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप भी जो है वो अगर कैश लेन देन का काम करते हैं तो एक साथ जो है वो इतना सारा कैश मत लेकर के जाइएगा। अगर लेकर के जाना भी पड़े तो जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ कुछ लोगों को साथ लेकर के जो है वो कैश जो है वो लेकर के जाइएगा ताकि आप भी इस तरह की होने वाली घटनाओं से बच सकें। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जो लगातार दिन में जो है वो कैश के लेन देन का काम जो है वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।